आदरणीय पंडित जी, मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके आज के धम्म देश नए सत्र के लिए शुरुआत कीजिए। ठीक, आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ ही इन रत्नों की वंदना करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको येहि पस्सिको गोपनायिको पच्छतं वेदितब्बो विन्योहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठ पुरिस पुग्गला एष भगवतो सावक संगो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करनीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्साति। साधु 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 साधु। ठीक है, हम धर्म देशना के लिए आरंभ करते हैं। देशना करने से पहले हम तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते हैं। हमें धर्म का ज्ञान बताने वाले अति पूजनीय गुरु ग्रंथ जी को हम नमस्कार करते हैं। श्रद्धावंत उपासकों, आज हम आनापान सती कैसे करें या उसका अभ्यास करने की विधि के बारे में जानेंगे। ये धर्मदेशना शायद काफी गंभीर होगी और क्योंकि सूक्ष्म होने के कारण इसे बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये अभ्यास करने का तरीका है। अगर इस अभ्यास करने के तरीके में कहीं कोई कमी रह जाती है या कोई बदलाव होता है तो हम सही तरीके से उस ध्यान के प्रतिलाभ को नहीं पा सकते हैं, या हो सकता है कहीं कहीं अटक जाने की स्थिति आ जाती है, मतलब उसे आगे का अभ्यास समझ में नहीं आता कि उसे आगे कैसे करें। ठीक है, तो इसलिए हमें हर शब्द को और हर एक कड़ी को समझना है। मैं आज सोच रहा हूँ कि ये आनापानसति में जो 16 अंग आते हैं वे एक ही बार में अभ्यास नहीं किए जा सकते हैं। वैसे अगर कोई दक्ष व्यक्ति होता है जिन्होंने उन्होंने भावित कर चुके होते हैं उनके लिए ये बात संभव हो सकती है, लेकिन अभी हम नया अभ्यास स्टूडेंट्स है तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये अभ्यास करना होता है। तो हम सोच रहे हैं कि उस अभ्यास की जो विधि है उसको मैं 4 भागों में विभक्त करूँ, क्योंकि इस 16 अंग में कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना,
और धम्मानुपस्सना परिपूर्ण होती है, भावित होती है। तो आज हम एक अंग देखेंगे काया अनुपस्सना के बारे में, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी अंग के बारे में हम किस तरह से भावना करनी चाहिए उसको देखेंगे। इन सब तीनों प्रकार की जो अनुपस्सना का अभ्यास करते समय, इससे पहले भी उस साधना का अभ्यास करने के लिए जो उसको जो सहायक बनने वाले, जो पोषण देने वाली जो बातें हैं वो हमारे भीतर होनी चाहिए, और जो मतलब जो बाधा बनने वाली चीज़ें हैं वो उसे दूर करनी चाहिए। अगर वो होती है तभी हम साधना का अभ्यास मतलब आरंभ कर सकते हैं और ठीक तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी जो बातें कही थी, जो आठ बातों का ऐसे ज्ञान होना चाहिए, तो वो ज्ञान जैसे कि अगर हम जिन धर्म गुणों से युक्त होते हैं, जैसे श्रद्धा है, शील है, श्रुत है, त्याग प्रज्ञा आदि, ये जो गुणधर्म है, इन गुणधर्मों के साथ जब हम अपने अपने आप में देखते हैं कि हमारे भीतर श्रद्धा आदि गुण हैं, ठीक है, तो बहुत सरलता होती है। जो साधना के लिए बाधक बनने वाली चीजें हैं, बातें हैं, उनको दूर करने के लिए, ठीक है। फिर जब हम शील गुणों को धारण करते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने इंद्रियों को थोड़ा संवर करते हैं, अभी गृहस्थ जीवन है तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ध्यान साधना के समय कम से कम या उससे आगे पीछे का समय में इंद्रियों का संवर होना चाहिए, इंद्रिय शांत होनी चाहिए, ठीक है, इंद्रिय सुखों की और भाग दौड़ करने वाला मन नहीं होना चाहिए, और अपने भीतर उसे कहते हैं काम छंद को दूर करने का, दूर होना चाहिए, ठीक है। तो काम छंद दूर होने के लिए ये गुणधर्म उपयोगी आता है, तो इंद्रिय संवर होना चाहिए। पंचशील आदि शील का पालन करते हैं तो अपने भीतर जो अकुशल होते हैं, 10 अकुशल, उन अकुशलों को भी दूर करना होता है। उन 10 अकुशलों में एक सबसे बड़ा सूक्ष्म अकुशल होता है, वो होता है कि मिथ्या दृष्टि। अगर मिथ्या दृष्टि अगर का मल अगर बना रहता है तो आप चाहे कितने भी मतलब तरीके से मेहनत करें आनापान का अभ्यास करने के लिए, लेकिन आप उस मल से ढके होने के कारण, मिथ्या दृष्टि का होने के कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि रूपी जो अकुशल है, ये चैतसिक अकुशल है, जैसे कि काया के अकुशल है, वाणी के अकुशल है और मन के अकुशल है, तो इन सभी अकुशलों को दूर करना होता है। अगर कभी आरती महसूस हो, यानी कि ध्यान साधना करने का ऐसा मन उब जाता है, तो उन ऐसी भावना को दूर करने के लिए जिन बातों से हमें प्रमोदित भाव उत्पन्न होता है, जैसे किसी अरहंत श्रावक संघों के गुण याद करने से, जो धार्मिक लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं, उनके गुणों को याद करने से हमारे भीतर प्रमोदित भाव जागता है, या भगवान बुद्ध को गुणों को याद करने से प्रमोदित भाव जागता है, तो ऐसे प्रमोदित भाव जागने के बाद जो आरती आने वाली होती है, मन ऐसा उब जाने वाला भाव होता है कि मुझे नहीं करना है, वो भाव दूर होता जाता है, ठीक है। और भगवान बुद्ध धर्म संघ के प्रति कहीं कोई अज्ञानता नहीं रखनी चाहिए, क्लियर साफ मतलब उसका ज्ञान बोध होना चाहिए। फिर और उसके लिए आप कोई दूसरा भी कोई भी माध्यम चुन सकते हैं, और इस साधना के प्रति और तीन रत्नों के प्रति भी कहीं कोई विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए, शंका संदेह नहीं होनी चाहिए, और उसको दूर करने के लिए भगवान के गुणों के बारे में मनस्वीकार करना है। भगवान ने जो धर्म बताया, स्वाखा धर्म बताया है, जो धातु आयतन इंद्रिय आदि पटिसमोत्पाद आदि, उन धर्म को मतलब मनस्वीकार करते हुए उस जो शंका संदेह को दूर करना है, ये बहुत जरूरी है साधना से पहले की, ठीक है। और जो अगर चित्त अगर उद्विग्न रहता है, मतलब ऐसा बेचैन सा महसूस होता है, तो उसको उपशांत करने के लिए, थोड़ा सा शांत बनाने के लिए अपने चित्त को थोड़ा सा महसूस करना है कि आखिर ये चित्त कैसे, किन कारणों से उद्विग्न बना है, तो उन कारणों को मतलब बातों को, विचारों को, आलम्बनों को छोड़कर एक, या तो किसी एक पर्टिकुलर एक कुशल आलम्बन को लेकर लगाकर, कुशल आलम्बनों पर अपना मन लगाना चाहिए और अपने मन को शांत बनाना चाहिए। अगर ध्यान की स्थिति में अगर थीन मिद्ध कायिक आलस और चैतसिक आलस महसूस होता है, तो आलोक संज्ञा का मतलब ये करिएगा, थोड़ा सा मतलब मन में संज्ञा जगाते हुए आलोक संज्ञा को महसूस करिएगा, उसके बारे में सोचिएगा, इससे दूर हो जाता है।
अगर मन में कहीं किसी के भी प्रति रंच मात्र भी, कहीं द्वेष है, कहीं क्रोध भाव है, तो उस व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति को माफ कर दीजिएगा, और उस व्यक्ति के प्रति उसका भी भला हो, उसके प्रति भी मैत्री भाव जगाए। क्योंकि ये रहते हुए व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों के प्रति समान मैत्री भाव है, ऐसा भाव कर मन में महसूस करना है। और काम छंद यानी कि अपने इंद्रिय आदि को शांत बनाना है, इंद्रिय सुखों में मन को लगाना है, ठीक है। तो ये गुण जब आपके पास में रहेंगे, मतलब इन दुर्गुणों को जब आप दूर करेंगे और इसके सद्गुण अपने पास रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ही आपके मन में एक प्रमोदित भाव रहेगा, ठीक है। मैं उसके प्रति स्मृति है और उसके बारे में आपने सही मतलब प्रज्ञा के साथ जानते हुए उसका मतलब बोध कर रहे हैं, उसका धर्म विचयन करते हुए समझ रहे हैं कि ये बात है, फिर उसके बारे में उसके कारण से प्रमोदित भाव जागता है। प्रमोदित होने मतलब जो वीर्य भाव होता है, तो फिर प्रमोदित भाव जागता है, फिर प्रीति जागती है, मन में चैतसिक आनंद जागता है। इससे अपने शरीर मन थोड़ा शांत होता है और ये प्रशब्द भाव आपको मतलब सुख का अनुभव देता है। और ऐसे व्यक्ति सुखिनो चित्तं समाधि, और ऐसे व्यक्ति फिर समाधि का अभ्यास करने के लिए अनुकूल बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भोजंग धर्म इन ऊपर आए हुए सद्गुणों को मतलब अपने भीतर बढ़ाते हुए ये भोजंग धर्म आपने स्पर्श करने चाहिए। फिर अगला चरण आता है, जब आप अभी ध्यान साधना आरंभ करेंगे, तो ध्यान साधना आरंभ करने से पहले भी तीन गुण परिपूर्ण होने चाहिए। आतापि संपजानो सतिमा, यानी कि जो अभी जैसे मैंने जो अकुशल बताए हैं, जो बाधक बनने वाली चीजें हैं, उसको दूर करें, प्रहान करने का वीर्य होना चाहिए, ये पहले भी होना चाहिए। और उसके बारे में स्मृति होनी चाहिए, सतिमा और संपजन्य, उसके प्रज्ञा के साथ बोध होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, जानना चाहिए ये। और बाद में इन्हीं सद्गुणों को धारण करने के बाद एक और बात करनी है। जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, किसी के भी प्रति कहीं कोई लोभ नहीं रखना है। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनात्म है, ऐसा समझकर जिस किसी के प्रति मन में थोड़ा सा भी लगाव, चिपकाव, तृष्णा, बंधन है, सबको त्याग देना चाहिए। और जो दौर्भण से चैतसिक पीड़ा होती है, कोई खेद होता है, तो उसको भी मतलब मैत्री का चित्त जगाते हुए कि सारे प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में समान मैत्री है, ठीक है। तो विनय लोके अविद्या दोमनस्य, अविद्या यानी कि लोभ और दुर्मनस्य भाव को हम दूर हटाते हैं। आतापि संभजानो सतिमा, ठीक है, इनके प्रतिष्ठित होते हैं, भोजन धर्म को स्पर्श करते हैं और शील आदि गुणों में प्रतिष्ठित होते हैं, साधना के अनुकूल जो मैंने आदि बातें बताई उनसे युक्त होते हैं। जो कोई व्यक्ति कर्म स्थान का अभ्यास करना चाहता है तो उसे ये पूर्व उसकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जब हम अभ्यास आरंभ करते हैं तो आरंभ होने के बाद, आनापान का आरंभ होने के बाद भी उसी प्रकार से आतापि संपजानो सतिमा विनीय लोकी अभिज्ञा दो मनसन, ये गुण परिपूर्ण होते हैं। और साथ ही ये अभ्यास की निरंतरता बनाए रखते हुए भोजंग धर्म परिपूर्ण, क्योंकि स्मृति भी जागती है, उसका प्रज्ञा के साथ विचयन करते हुए हम अभ्यास करते हैं, उसका आरंभ अभ्यास का आरंभ होना, उसका तो निरंतरता बनाए रखना, भावित करना वीर्य होता है। फिर उससे प्रीति प्रमोद भाव जागता है, फिर प्रशब्द जागती है और उसमें सुख अनुभव होते हुए व्यक्ति समाधि का अभ्यास करता है। उपेक्षा मतलब ये भोजंग धर्म भी उसका अभ्यास करते हुए ही स्पर्श हो जाते हैं, और जो मैंने ऊपर कहे हुए अंग बताए हैं वैसे आतापि संभजन, ये सारे गुण ये अभ्यास करते हुए ही इस अनुभव के साथ गुजरते हैं, तब हमारी ये साधना काय कायानुपस्मृति, ये आनापान की जो हम अभ्यास करेंगे अभी, तो ये काय कायानुपस्मृति बनेगी, ठीक है। तो अभी आप चाहे जिस किसी जगह पर बैठे हैं, सुखपूर्वक अपना आसन ग्रहण करें, अपनी कमर पीठ और गर्दन को सीधा रखें, ठीक है। सुखपूर्वक आसन ग्रहण कीजिए।
और धीरे से अपनी आंखें बंद की। अभी अपना सारा ध्यान और अपनी स्मृति अपने सांस पर बनाए, यानी कि नासिका के द्वारों पर जो सांस का आवागमन होता है वहां पर अपनी स्मृति को लगा। स्मृति के साथ सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। हर एक सांस के साथ स्मृति है, स्मृति के साथ सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। सांस स्वाभाविक हो, अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना है, जैसा है उसी सांस के प्रति स्मृति रखना है। अगर सांस ठीक से महसूस नहीं होता है तो एक बार से या दो बार सांस को लंबा थोड़ा सा ले, लंबा सांस लो, लेकिन स्मृति साफ साफ होनी चाहिए। स्मृति से सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस हो रहे हैं। सांस के प्रति स्मृति रखते हुए हमें ये महसूस भी होता हो रहा होगा कि कोई कोई कभी कभी सांस लंबा है तो कुछ समय में छोटा भी सांस, तो इसके बारे में प्रज्ञा से समझना है कि अगर लंबा सांस ले रहे हैं तो मैं लंबा सांस ले रहा हूँ, यह समझते हुए सांस लेना है, स्मृति रखनी है और उसको प्रज्ञा से समझना है कि ये लंबा है। उसी प्रकार लंबा सांस छोड़ते समय मैं लंबा सांस छोड़ रहा हूँ ये जानना है, उसकी साफ साफ जानकारी उसका बोध होना चाहिए कि मैं लंबा सांस ले रहा हूँ या लंबा सांस छोड़ रहा हूँ। अगर शरीर स्थिर है, शांत है, तो सांस छोटा भी हो सकता है, तो अगर सांस छोटा हम ले रहे हैं तो मैं छोटा सांस ले रहा हूँ, इसकी साफ साफ जानकारी रखे और उसके प्रति स्मृति बनाए रखे। छोटा सांस छोड़ते हुए छोटा सांस छोड़ रहा हूं ऐसा साफ साफ जानना है। द्वारपाल की तरह अपने नासिका के द्वारों पर इस सांस के आवागमन के प्रति सजग रहना है। ऐसा कोई भी सांस न हो जो बिना जाने, बिना उस पर मतलब बिना सजगता से उसे कोई सांस लिया जाए,
या छोड़ा जाए, यानी कि हर सांस के साथ स्मृति हो, हर सांस के साथ प्रज्ञा हो, समझते हुए जानते हुए बलि प्रकार से समझते हुए सांस लेना है और सांस छोड़ना है। जैसे जैसे हमारा शरीर मन शांत होता है, वैसे वैसे हमारा मन और शांत मतलब बहुत स्थिर होता है, उसकी चंचलता कम होती है। तो जैसे जैसे सांस की गति भी शांत होती है, उस स्थिति में भी ये जानना है कि अगर वो थोड़ा सा अगर लंबा महसूस हो रहा हो तो मैं लंबा सांस ले रहा हूँ, इसी प्रज्ञा से जानना है और उसमें स्मृति बनाए रखना है। उसी प्रकार लंबा सांस छोड़ते हुए लंबा सांस छोड़ रहा हूँ इसकी स्मृति बनाए रखना है और उसकी साफ साफ जानकारी रखनी है, प्रज्ञा से जानना है। दीघं वा अससंदो दीघं अससामि अजाना, मैं दीर्घ सांस लेते हुए मैं दीर्घ सांस ले रहा हूं इसे प्रज्ञा से जानना। दीघं वा अससंदो दीघं अससामि अजाना, दीर्घ सांस छोड़ते समय मैं दीर्घ सांस छोड़ रहा हूं इसे प्रज्ञा से जानना है। रसं वा अससंतो रसं अससामीति प्रज्ञानादि, ओछा सांस लेते हुए मैं ओछा सांस ले रहा हूं इसे प्रज्ञा से जानना है और उससे उस पर स्मृति बनाए रखना है। रसं वा पश्यसंतो रसं सस्सामीति प्रजानाति, ओछा सांस छोड़ते समय मैं ओछा सांस छोड़ रहा हूं इसे प्रज्ञा से समझते हुए उस पर स्मृति बनाए रखना है, बिल्कुल साफ साफ उसकी जानकारी रखनी है, हर एक सांस के प्रति सजग रहना है, हर एक सांस के प्रति स्मृति बनाए रखना है और इसे उसकी उस स्मृति को बनाए रखते उसका अभ्यास करना है, उसे भाग रखना है। जब हमारी स्मृति हमारे इस प्रकार के सांस पर स्थिर बनी हुई है और हम सांस के आवागमन को साफ साफ जान रहे हैं स्मृति के साथ, आती हुई सांस को स्मृति के साथ जान रहे, जाती हुई सांस को स्मृति के साथ जान रहे, इस भावना को इस स्मृति को और भी थोड़े लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है इसके लिए बड़े सजगता के साथ उस पर ध्यान देना है, हर एक सांस के प्रति सजग रहना है, स्मृतिमान रहना है और प्रज्ञा से जानना है कि मैं सांस दे रहा हूं सांस छोड़ रहा हूं। सांस के प्रति जो स्मृति रखने का समय है या जो बोध है उसके प्रति का,
उसको बनाए रखना है, उसका बहुलता से अभ्यास करना है। सांस बहुत सहज है, स्वाभाविक है, और चाहे जैसा हो, चाहे लंबा हो, चाहे ऊंचा हो, हर सांस के प्रति स्मृति रखनी है और अपनी प्रज्ञा से समझना है, उसकी साफ साफ जानकारी रखनी है कि मैं अगर लंबा सांस ले रहा हूँ तो लंबा सांस ले रहा हूँ, ये जानना है। लंबा सांस छोड़ते समय लंबा सांस छोड़ रहा हूँ, जानना है। अपनी ओर से कुछ प्रयास नहीं करना है, जैसा है बस उस पर स्मृति बनाए रखना है और उसकी साफ साफ जानकारी रखनी है, प्रज्ञा से जानना, समझना है। हमारी सारी स्मृति जागृत है, परिपूर्ण स्मृति जागृत है और स्मृति के साथ ही सांस ले रहे हैं और उसके साथ बोध भी है, हम अपने प्रज्ञा के साथ समझ ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस ले रहे हैं, स्मृति के साथ सांस छोड़ रहे हैं। अभी स्मृति इतनी सूक्ष्म बनी है कि सांस की साफ साफ जानकारी हो रही है, तो अभी हमें ऐसा सीखना है जो नासिका के द्वारों पर जब हम सांस लेते हैं कि चाहे जैसा सांस हो, तो सांस लेते हैं तो आरंभ में लेते समय जो सांस का जो मध्य है उसको भी समझते हुए उसके प्रति स्मृति बनाए रखना है, सांस का ये मध्य है और सांस जहाँ तक लेते हैं और जहाँ तक मतलब लेते हुए जहाँ रुक जाता है उस सांस के अंत को भी जानना है। फिर उसी प्रकार जहाँ से रुक कर फिर सांस हम छोड़ते हैं, छोड़ने के समय में भी उसके अंत को, मध्य को और आरंभ को जानना है। उसी प्रकार आरंभ को, मध्य को और उसके अंत को जानना है, यानी कि सांस के परिपूर्ण काया को समझते हुए, प्रज्ञा से जानते हुए और उसके प्रति स्मृति बनाए रखते हुए सांस लेना है। सांस लेते समय मैं सांस ले रहा हूँ और सांस लेते समय उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत, उसको जानना है और उसकी स्मृति वहाँ वहाँ स्मृति मैं बनाए रखूंगा, ऐसा हमें सीखना है। सब काय पटि संवेदी अस्य सामीति सिक्खति,
अपनी सांस की इस संपूर्ण काया को समझते हुए, उसका अनुभव करते हुए, उसका बोध होते हुए सांस ले रहे हैं, उसके प्रति स्मृति है और ऐसा अभ्यास हमें सीखना है। सब काय पटि संवेदी वस्सामेति वस्सस्य सामेति सिक्खति। सांस की संपूर्ण काया को, जैसे कि आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत, समझते हुए, उसके प्रति स्मृति रखते हुए, उसका बोध रखते हुए उसका अभ्यास करना। तो ये समझना है कि मैं सांस छोड़ते समय भी उसका आरंभ, उसका मध्य और उसका अंत बिल्कुल साफ साफ जानना है, उसका बोध बनाए रखना है और उसके प्रति स्मृति बनाए रखना है। और ये मेरी स्मृति वैसी है, ये अनुभव करना है, पटी संवेदी ये समझना है, पटी संवेदन करना है। सांस लेते हुए ऐसा भी अनुभव होता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो उसका आरंभ, मध्य और अंत हम जब जानते हैं तो ये महसूस भी होता है कि जब हम नासिका के द्वारों पर सांस ले रहे हैं और हमारे जो छाती का भाग है जो सांस लेने से फूल रहा है, तो वहां तक भी सांस की गति को समझ रहे हैं, स्मृति से समझ रहे हैं। और जैसे कि हमारी हमारा पेट है जो सांस लेने से थोड़ा सा फूलता है, तो वहाँ तक को भी हम समझ रहे हैं। और उसी प्रकार सांस जब छोड़ते हैं तो उस छोड़ते समय भी उसके अंत को, उसके मध्य को, उसके आरंभ को, उसके आरंभ को, मध्य को और अंत को बिल्कुल साफ साफ जानते हुए, समझते हुए, उसके प्रति स्मृति बनाए रखते हुए उसका अभ्यास करना, ऐसा हमें सीखना है। सब काय पटि संवेदी अस्सस्य सामेति सिक्खति। काया की समग्र काया को, सांस की समग्र काया को समझते हुए, उसके प्रति स्मृति रखते हुए हम अभ्यास कर रहे हैं। सांस ले रहे लेते हुए, ले रहे हैं, छोड़ते समय छोड़ रहे हैं और अपनी सांस की समग्र काया को भी समझ रहे हैं। जब हम सांस लेते हैं तो महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग में ये सांस जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाता है। यानी कि जितना बड़ा हमारा शरीर है उस शरीर के हर एक अणु अणु तक हमारा सांस पहुंच जाता है। जब मन इस कदर सूक्ष्म हो जाता है कि हम एक छोटा सांस भी क्यों न हो, लेकिन वो उतना छोटा सांस लेते हुए भी उसके आरंभ में, उसके मध्य और उसके अंत को समझते हुए इस समग्र काय, अपना जितना शरीर है उतने शरीर के हर अणु अणु तक उस सांस की काया का भी अनुभव होता है। तो ऐसा भी अनुभव करें कि जब सांस लेते हुए उसके आरंभ में,
उसके मध्य में और उसके अंत में स्मृति बनाए रखते हुए, बोध बनाए रखते हुए उसका अभ्यास करना है। उसी प्रकार सांस छोड़ते समय भी इस समग्र काया का प्रति संवेदन करते हुए, अनुभव करते हुए, इस सांस की काया, इस समग्र जहां जितना बड़ा शरीर हो उतनी बड़ी भी हो सकती है, तो उससे भी महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए सांस छोड़ना है, लेना है। जरूरी नहीं कि सांस बहुत लंबा हो या छोटा हो, चाहे जिस प्रकार का सांस हो, जब शरीर बहुत शांत होता है तो छोटा सांस भी अपने शरीर के हर अनुरेणु तक पहुंच जाता है और उसको भी समझना है और उसके आरंभ को, मध्य को और उसके अंत को समझते हुए, उसके प्रति स्मृति बनाए रखते हुए हमें सांस लेना है, सांस छोड़ना है, अभ्यास करना है। अगर ऐसा समग्र शरीर के प्रति महसूस न भी होता हो, तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम सांस लेते हैं तो नासिका के द्वारों पर आरंभ महसूस होता है, छाती के जगहों पर जब खुलती है तो महसूस होता है, उसका मध्य है, पेट में जब तो उसका जो फुल्ला महसूस होता है तो ये उसका अंत है। तो उसके आरंभ को, उसके मध्य को, उसके अंत को इतना तो समझ सकते हैं और उसके हर एक स्थिति को, काया के इस संपूर्ण, मतलब सांस की इस संपूर्ण काया को जानते हुए, समझते हुए, उसका संवेदन करते हुए अभ्यास करना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, इस स्थिति को बहुलता से करना है। शरीर इस प्रकार शांत है, मन इस प्रकार शांत है कि स्वाभाविक रूप से ये सांस भी बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन उस सांस के प्रति भी पूरी सजगता है, उसका भी, उस सांस के भी संपूर्ण सांस की काया को समझ रहे हैं, उसके आरंभ को, उसके मध्य को, उसको और उसको समझते हुए, उसकी स्मृति बनाए रखते हुए सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। सांस अभी इस तरह से छोटा महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि बहुत सांस छोटा हुआ है, जैसे कि सांस लिया और तुरंत बाहर आए, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी उसके प्रति स्मृति बनाए रखना है, सजगता बनाए रखना है और ये समझना है कि सांस अभी छोटा हुआ है, इसे प्रज्ञा से समझना है। पसम भयं काय संखारं अस्य सानिधि सकृत्। ये जो सांस बहुत छोटा हुआ है, उस बहुत शांत हुआ है, बहुत छोटा सूक्ष्म बना है, उस सांस के प्रति भी स्मृति बनाए रखना है, प्रज्ञा से समझना है कि मैं सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, उसके आरंभ को, उसके मध्य को, उसके अंत को, भले ही कितना ही छोटा भी हो, ऐसा भी महसूस हो सकता है, सांस ऐसा महसूस लगे कि सांस बंद हुआ हो, लेकिन उस स्थिति में भी सांस बना रहता है और अपनी स्मृति को वहां पर भी बनाए रखना है और समझना है कि ये सांस प्रशब्द का शांत बहुत छोटा है, उसके प्रति की स्मृति बनाए रखना है, ये सजगता बनाए रखनी है,
और सांस के आवागमन के प्रति अभ्यास करना, स्मृति का अभ्यास करना। पसं भयं काय संकारं पश्यसि सामि सिक्खति। अपना सांस छोड़ते समय में जानना है कि सांस कितना छोटा है, बहुत छोटा है, लगता है कि ये रुक गया है, लेकिन उस स्थिति में भी सांस बना रहना है। उसकी सांस की गति महसूस हो रही है, तो कितनी भी छोटी क्यों ना, और उस स्थिति को भी, उस सांस के भी आरंभ को, मध्य और अंत को समझना। अगर मध्य न भी समझ में आए, उसको आरंभ और उसके अंत को समझते हैं कि समझते हैं ये सांस बहुत शांत है, बहुत प्रशांत है, और उस बोध के साथ, स्मृति के साथ वो अभ्यास बनाए रखना। उसी अभ्यास को लंबे समय तक बनाए रखना। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए स्मृति बनाए रखना है। और स्मृति है, और ये भी समझने के कि सांस बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। ये सांस रूपी काया जो आरंभ और उसके अंत तक बहुत छोटी बनी हुई है, और उसको भी हम स्मृति के साथ समझ रहे हैं, उसके प्रज्ञा के साथ उसको बोध कर रहे हैं और समझ रहे हैं। सांस लेते हुए ले रहे हैं, छोड़ते हुए छोड़ रहे हैं। इसी अभ्यास की निरंतरता बनाए रखनी है। अगर ऐसा महसूस हो कि सांस पूर्णतः बंद ही होने जैसा महसूस हो, तो बिना मन को चंचल किए बस छोटा सा सांस उठकर तेज करके उसकी स्मृति बनाए रखना है। स्मृति को गंवाना नहीं, हर हाल में स्मृति को बनाए रखना है। इसे, इस अभ्यास को भावित करना है, और उसकी निरंतरता बनाए रखते हुए उसको बहुलता से करना, अभ्यास करना। थोड़ा सा स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा लंबा सांस ले और लंबा सांस छोड़े, और उस स्थिति में भी उसको सहज रूप से जानना है, स्मृति के साथ जानना है।
और अभी ऐसे मन में सोचें कि मैं अभी साधना से उठूंगा या साधना से बाहर आऊंगा। और अपने सांस के प्रति स्मृति बनाए रखे, अपने शरीर को महसूस करें और धीरे से अपने हाथ खोलें और अपनी आंखों पर बहुत धीरे से हाथ रखें, स्मृति के साथ धीरे से अपने हाथ फिर से नीचे रखें और अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। अपने शरीर को थोड़ा सा शिथिल करें, नॉर्मल करें। साधु साधु साधु, ठीक है। तो ये आनापान का अभ्यास है। जब आप सभी परिष्कारों के साथ, यानी कि उसको सपोर्टिव लगने वाले सारे सद्गुणों के साथ, और जो भी उसको हानि पहुंचाए सारे दुर्गुणों को दूर करने के बाद, और आतापि संपजानो सतिमा, इस क्लेश को बाहर करने योग्य या क्लेश को नष्ट करने योग्य वीर्य के साथ, पुरुषार्थ के साथ, और बहुत स्मृति सजगता के साथ और प्रज्ञा के साथ जाना है, संप्रजन्य अभ्यास करना है, विनय लोक के अभिचार। और ये जो लोक के प्रति, यानी कि जैसे कि अपने काया हो या बाहरी दुनिया जो भी लोक है, इस लोक के प्रति का जो लोभ है या दुर्मनस्य भाव है, चेतसी कोई पीड़ा हो या दुर्भाव, तो सबको त्याग देना है। और इस तरह के जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो इस स्थिति तक आने तक सभी भोजन धर्म परिपूर्ण होते हैं, और जो काया में कायानुपस्य होकर विहार करता है तो इस तरह से व्यक्ति इस आनापान सति के इस अंग में काये कायानुपस्य होकर विहार करता है, ठीक है। तो आज जो हमने यहाँ अभ्यास सीखा है, तो इस अभ्यास को अगले सप्ताह तक अभ्यास करें। हम अगले सप्ताह में वेदनानुपस्यना के बारे में, इसी आनापान सति में आने वाली जो वेदनानुपस्यना है, उस वेदनानुपस्यना के बारे में अभ्यास सीखेंगे, ठीक है। अभी हमने जो सीखा है आज, इसके बारे में अगर कोई प्रश्न है, अगर कोई शंका संदेह है, अभ्यास में कोई बाधा आई है, तो हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके। नमो बुद्धाय पंडित जी। नमो बुद्धाय। जो साधना मैंने पहले भी की थी तो मुझे याद है कि उसको करने के बाद काफ़ी शांति मिलती है। तो उसमें मेरे को सवाल थे कि जैसे मैं काफ़ी जब लंबा समय हो जाता है करते करते, कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उससे ऊपर जब हम जाते तब ऐसा महसूस होता है कि हाथ नहीं है, हल्का हल्का महसूस होता है, एकदम शरीर हल्का हो गया और हाथ ऐसा लगता है हाथ ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल स्थिति है। हाँ, और उसके बाद
के बाद अपन ध्यान से जब उठते हैं ना, तब इतना होश होता है कि मतलब इतना भी, मतलब जैसे अपन ने किसी को छुआ तो छूने के बाद इतना होश रहता है कि अपने उंगली और उसके मतलब टच होने में कितना डिस्टेंस है और कितना होशपूर्वक छुआ जा रहा है, हाथ लगाया जा रहा है। ठीक है, वो स्वाभाविक बात है, उसी प्रकार अभ्यास बनाए रखना है। और उस अभ्यास की जो जो स्थिति है या उसका जो समय है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो हर हफ्ते में 10 मिनट बढ़ा सकते हैं ना, 5-10 हर हफ्ते दस आप मिनट। दस मिनट नहीं, अभी आपको एक हफ्ते तक आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, चाहे समय है तो पूरे। अच्छा, उसके बाद मतलब होश भी चला जाता है, मतलब जैसे अपन फिर उठ जाते हैं ना, आधा घंटा फिर 1 घंटा जैसे जैसे टाइम बीता फिर नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। ठीक है, जो हमने अभी जो कहा है, जैसे हमने ध्यान आरंभ किया है, उसका अभ्यास किया है और ध्यान से उठे हैं, तो इसी क्रम से करिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार ये वीडियो देखिएगा, आपको लाभ होगा। ठीक है, धन्यवाद। वंदा में बनते जी, आशीर्वाद है बनते सब काय पति सम यदि पसम भय कार ये ना सर, पसम भय काय संकारण, तो ये कैसा करने का, इसका मतलब क्या होता है बनते, पसम भय काय संकारण? हाँ, इसका अर्थ अगर समझना है तो मेरे इससे पिछले वाला जो संडे का प्रोग्राम है वो सुन लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल्स बता दिया, ठीक है। लेकिन उसका संक्षेप में यहाँ पर इतना समझ लीजिएगा कि सब काय का अर्थ होता है कि ये अपनी काया नहीं है, शरीर नहीं है, सांस की काया, जो हम सांस लेते हैं तो सांस जहाँ से आरंभ करते हैं, फिर कहीं ना कहीं तो उसका सांस लेते हुए उसका अंत भी आता है, वो अंत आता है, तो उस अंत तक, आरंभ से वो अंत तक जितनी उसकी काया है उसको स्मृति के साथ समझना है और उसका अभ्यास करना है। पसम भयं काय संकार मतलब होता है, काय संस्कार का अर्थ ही होता है कि ये सांस प्रश्वास, यानी सांस ले रहे छोड़ रहे, यही काय संस्कार है। जब वही शांत होता है, मतलब बहुत शांत शांत होता है, तो उसकी स्थिति को प्रज्ञा से समझना है कि अभी प्रशब्द हो रहा है, तो ये इसी का इसमें वेदना नहीं आता बनते, वेदना काय संस्कार वेदना नहीं आता ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, जैसा हम बताते हैं वैसे ही कीजिएगा, और मतलब कोई इसके इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर गलत हुआ है तो रास्ता भटक जाता है, इसीलिए मैंने ये 2-3 प्रवचन इसीलिए लंबे दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अगर आरंभ से अभी नहीं समझ आ रहे तो आरंभ से जो मैंने दिए प्रवचन है वो सुन लीजिएगा, आपको मदद होगी। और पूछना है, समय कम होता है तो जल्दी पूछिए। तो जैसे अपन सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा होता है कि ध्यान भटक जाता है, मतलब वो मतलब थोड़ा अभी अभी जो जिस तरह से हम ध्यान आरंभ करते हैं तो वो भटकने वाला होता नहीं ध्यान, ठीक है। जब हम विक्षिप्त मन से स्मृतिहीन होकर या अपने इन सद्गुणों को बारे में बिना सजगता से अभ्यास, मतलब बिना जाने बस कोई काम करते और बैठ गए आसन पर और मन लगा, ऐसा नहीं होता है। स्मृति संवर्जन्यता को पहले से ही रखना, मैंने जो मैंने पहले जो बताया है इस प्रवचन में, पहले ये सारे क्वालिटीज होने चाहिए अपने आप, ये इससे पहले मतलब ध्यान आरंभ करने से पहले ही आपको भोजन का स्पर्श होने चाहिए, ये तब होते हैं जब आपके भीतर शील सदाचार आदि गुणधर्म होते हैं, ठीक है। और शील सदाचार गुण तब होते हैं जब आपकी दृष्टि सम्यक होती है, जब सम्यक दृष्टि तब होती है जब आप 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान होते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज फुलफिल करनी है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और जब ध्यान करने के लिए आरंभ करेंगे तो आपको रंच मात्र भटकने का सवाल ही नहीं आता कि मैं भटक रहा हूँ, ऐसा स्वाभाविक रूप सहज बैठ जाएंगे और सहज रूप से 1 घंटा भी बीत जाएगा, 2 घंटा भी बीतना सहज भावना कर पाएंगे, इससे कोई आदत नहीं। नहीं, ये तो हर दिन बहुत सारी चीजें होती है, आप इस ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ पर चांटिंग होती है, मेडिटेशन होता है, अलग अलग तरह की चीजें होती है, देखना भी होता है, मेरे अलावा भी और भी प्रवचन होते हैं, इंग्लिश वाले होते हैं, हिंदी वाले भी हैं, श्रीलंका, थाईलैंड और बहुत सारे
इधर से भी आते हैं तो आप जुड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू मंत्री जी, साधु साधु साधु। मैं नंबर डाल देती हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक ठीक, वंदना भी बनते ठीक है, आशीर्वाद है। बंती जी, अपना प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट होता है, कितने बजे तक चलता है? भारतीय समय के अनुसार 3:45 बजे हम शुरू कर देते हैं और करीबन 1.5 या 2 घंटे तक चलता है कभी कभी। धन्यवाद धन्यवाद बंती जी। ये साधना अपन लेटे लेटे कर सकते हैं। हाँ इंडियन टाइम 3 बजे से शुरू होती है। हाँ ठीक, घंटे दीजिए, अपन साधना लेटे लेटे कर सकते हैं क्या, मतलब लेट के अगर बैठ के करना नहीं? अभी एक मैं इसलिए इतना विस्तार से मैं क्यों बताया कि एक बार आपको समझना है और कहीं पर जाकर आप बैठ करना है और हर स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि पहले स्थिति में लेट करके ये तो अच्छा नहीं है, पहले उसमें पक्व बनना है, फिर उसके बाद में चलते हुए भी, खड़े रहते हुए भी, लेटे हुए भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन अभी आरम्भ है तो स्टार्टिंग में मतलब बैठ के करना। लेकिन आप कही अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। बंते जी, how to overcome sleep during meditation and how to focus again? मतलब अभी आप आपने जो कहा था instruction, तो मैं कर रही थी, तो एक मतलब क्या हुआ, एक दो बार ऐसा नींद में। हाँ, how to overcome that thing? ये ध्यान साधना करने के बाद या करते समय उसको कंट्रोल नहीं किया करना चाहिए। मैंने जो इससे पहले ध्यान करने के आरंभ में जो मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसी में मैंने बताया था, काम छंद यानी कि काम संबंधी विचार है, व्यापार यानी कोई द्वेष भाव है, तीन विध शरीर का आलस, मन का आलस, ये सारे दूर करना है, उद्दच्च यानी उद्विग्नता को दूर करना है, विचिकित्स शंका संदेह को दूर करना है, अज्ञानता को दूर करना है, जो मन ऐसा उब जाता है कि नहीं करना है अभी मुझे बस हो गया, तो इस भाव को भी दूर करना है और अकुशलता को दूर। और इसके बारे में मैंने सबसे पहले प्रवचन में विस्तार से बताया, आप वो भी देख लीजिएगा और इसके आरंभ में लीजिएगा, आपको मदद देवंत जी। शुरू में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी अभी ऐसा होने लगा है। शुरू में कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता था, जो उसके लिए जो कारण मैंने बताया गया है पहले प्रवचन में और इस प्रवचन के आरम्भ, वो एक बार फिर से देखेंगे। हाँ जी बंती जी, थैंक यू सो मच। हाँ वंदा में बंदे जी, आशीर्वाद है। हाँ मुझे विपश्यना में करता हूँ, तो शुरू में आनापाना सति मैं नहीं करता हूँ, डायरेक्ट विपश्यना करता हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अपन गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए आप लोग जो विपश्यना करते हो, विपश्यना है नहीं, ठीक है, वो इस क्रम से नहीं है। हम भविष्य में आप लोगों को विपश्यना सिखाएंगे, अभी शमत भावना सिखाएंगे, बाद में विपश्यना सिखाएंगे, ठीक है? तो लेकिन कोई भी व्यक्ति, चार तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को पहले विपश्यना अभ्यास करने में आसानी होती है फिर शमत कर लेते हैं, कोई व्यक्ति पहले शमत करता है फिर विपश्यना करता है, कोई भी व्यक्ति दोनों एक साथ कर सकता है और कोई व्यक्ति मतलब दोनों भी नहीं कर सकता है, तो उसको दोनों तरह से अपना बैलेंस बनाए रखते हुए करना है। तो अगर आपको विपश्यना करते हुए भी अगर सहज रूप से मन एकाग्र होता है या सही अभ्यास कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन सही में यथाबुद्ध ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति का चित्त समाहित होता है, और समाहित तब होता है जब व्यक्ति सुख अनुभव करता है, और सुख अनुभव तब करता है जब व्यक्ति प्रशब्दी का अनुभव करता है। प्रशब्दी ऐसी भी नहीं आती है, ये प्रशब्दी आती है प्रीति से आती है, प्रीति तब उत्पन्न होती है जब प्रमोदित भाव उत्पन्न होता है, प्रमोदित भाव तब उत्पन्न होता है जब हम शीला आदि कुशल धर्म से युक्त हो रहते हैं या कुछ पुण्य धर्म या कुशल धर्म से भी युक्त रहते हैं, दुर्गुणों को दूर करते हैं, सद्गुणों को बढ़ने के बाद ये प्रमोदित भाव जाता है। तो ये एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं, तो इस तरह से विपश्यना भी कर सकते हैं अगर उस स्थिति तक आते हैं तो, चित्त समाहित हो तो होकर आप स्थित होकर करते हैं तो, नहीं तो अगर बैठ गए आंखें बंद के संवेदना महसूस किया और रानी तय करके, वो क्रम नहीं है, ठीक है? हमें संवेदना महसूस हो रही इसका मतलब ये नहीं कि आप विपश्यना करें, ये यथाबुद्ध या अनित्य को अनित्य के तौर पर यथाबुद्ध जानने के लिए ये ऊपर के जो मैंने गुण बताया वो फुलफिल होने ही चाहिए।
इसलिए शमत्थ का अभ्यास करने के बाद भी विपस्सना करना आसान होता है। ये पूर्व पुण्य होता है जिनका जिन्होंने अभ्यास कर चुके होते हैं उनके लिए होता है कि जो डायरेक्टली विपस्सना करते बाद में शमत्थ करते हैं। ठीक है, तो आप जो हमने अभी जो हम सिखा रहे हैं जो स्टेप बाय स्टेप जो साधना यहाँ सिखाएंगे उसी को फॉलो कीजिएगा, भविष्य में आपको विपस्सना के बहुत सारे मतलब करीबन 40-45 के कर्म स्थान को बताएंगे आपको। सुखी बंतु। बंती जी मेरा प्रश्न है कि अभी आपने आनापानसति में लास्ट में कहा ना हाथों का, वो फिर से आप रिपीट कीजिए। हाँ, कुछ ऐसा नहीं आपको मतलब कैसे होता है कि जब अभ्यास का अभ्यास निरंतरता बनाए रखते हैं तो कैसे होता है कि कभी कभी साधना करते हुए जब हम बहुत घंटे बीत जाते हैं 1-2 घंटा तो शरीर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें शरीर का महसूस नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसने ये कहते हैं कि अंत में थोड़ा सा एक बार दो बार लंबा सांस छोड़िएगा, फिर उसके प्रति भी स्मृति बनाए रखना है, फिर उसके बाद अपने मन में ऐसा दोहराना है कि मैं अभी साधना से मतलब उठूंगा या जागूंगा, ठीक है, बाहर आऊंगा, और ऐसा सोचने के बाद फिर अपने शरीर को महसूस करना है, और अपने धीरे से आपने जब हम मन में ऐसा वितर्क जगाते हैं कि मैं अभी इससे बाहर आऊंगा तो आपको होश आता है, मतलब वो महसूस होता है, फिर आप धीरे से अपने हाथ उठाकर आंखों पर रखने के कारण और भी नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, और जब क्योंकि आंखें भारी पड़ जाती है तो खुलने में बहुत आसानी होती है, फिर धीरे स्मृति के साथ हाथ नीचे रखना है और फिर आँख खुलती है, बहुत नॉर्मल और सजग स्थिति में हम रहते हैं। नहीं तो क्या होता है कि तुरंत आँख खोलेंगे ध्यान ऐसी गंभीर स्थिति में रहकर तुरंत आँख खोलेंगे और बाहरी कुछ काम करेंगे तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है या शरीर पर बुरा असर हो सकता है, इसलिए ये क्रम कहाँ है। ठीक है, इसी वजह धन्यवाद। साधु साधु साधु। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े, हम अभी बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्म संदचीक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ कुय्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु। पुण्यानुमोदन कीजिए सबके लिए। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। साधु साधु अनुमोदन। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु साधु अनुमोदित। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमत मे भन्ते। खमामि। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। सुखेनि दुःखा निरोगा हन्तु निब्बानस्य पच्ये होतु। सबका मंगल। साधु साधु साधु। आप सभी के लिए आशीर्वाद मंगल मैत्री है, और जो हमने सीखा है उसके अनुसार आप अभ्यास करिएगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होने के लिए पिछले दो प्रवचन है वो भी सुन लीजिएगा, आगे के प्रवचन इसी प्रकार जो आगे की साधना के बारे में होंगे हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, सबके लिए मंगल मैत्री है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। वंदामि। बहुत बहुत साधुकरण।